SMB Build Mart Solutions, मजबूत इमारत के साथ मजबूत इलेक्ट्रिकल फिटिंग, ड्यूरेबल सैनिटरी पाइप्स और ब्रांडेड बाथ फिटिंग भी जरूरी है। क्रॉम्पटन के पंखे और गीजर, GM के स्विचेस और लाइट फिटिंग और कजारिया की बाथ फिटिंग होलसेल और रिटेल रेट्स पर उपलब्ध। SMB Build Mart Solutions, दिल्ली गेट पुलिस कंट्रोल रूम के पास, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी, आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ। नेक से एक रेट प्राप्त, डीम्ड यूनिवर्सिटी। एएसआई भर्ती परीक्षा रद्द नहीं किए जाने को लेकर अभ्यर्थियों के परिजनों ने दिया धरना, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग। मासूम बच्चे के साथ बेसहारा घूम रही महिला को मदद देने एकजुट हुए कांग्रेस और भाजपा, सेवा संस्थानों पर साधा निशाना, दुकानें बंद करने की कही बात। और दक्षिणी राजस्थान में डांडी की खनक थमी, अंतिम दिन देर रात तक गरबा पांडालों में उमड़ता रहा श्रद्धा का ज्वार। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को निरस्त नहीं किए जाने को लेकर धरना देते हुए चयनित ईमानदार सब इंस्पेक्टरों के परिजनों ने इस परीक्षा को रद्द नहीं किए जाने की मांग की है। उन्होंने भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं करते हुए इसमें दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। मुख्यमंत्री के नाम उदयपुर संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए चयनित अभ्यर्थियों के परिजनों का कहना है कि मेवाड़ तथा वागड़ के ईमानदार और परिश्रमी सब इंस्पेक्टर के परिवारों के साथ भी अन्याय हो रहा है। दरअसल इस भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ था। इस मामले में अब तक 66 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले की जांच एसओजी द्वारा की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक एसओजी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार इस सभी भर्ती परीक्षा को रद्द करने का फैसला ले सकती है। ऐसे में ईमानदारी से परीक्षा देकर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के परिजनों का कहना है कि इसे रद्द नहीं किया जाना चाहिए। बेटा भी ऐसे ही ट्रेनिंग जयपुर है, अभी सरकार अभी ऐसा विचार कर रही है कि भाई ये भर्ती परीक्षा रद्द कर दी जाए। जो दोषी हैं उनके खिलाफ सरकार निसंदेह कार्रवाई करे, कड़ी से कड़ी। अगर एसओजी को और संसाधन की ज़रूरत है तो सरकार उपलब्ध करावे और उनको सजा दें, इसमें कोई संदेह नहीं। और जो दोषी हैं उनको खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, लेकिन निर्दोष को सजा नहीं दी जाए। जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, बड़ी कड़ी मेहनत से अपने करके और एक साल की ट्रेनिंग पूरी करने के नज़दीक है, तो ये सरकार का निर्णय उचित नहीं है। सरकार से अनुरोध है कि वो सही न्याय संगत निर्णय लेवे। भर्ती परीक्षा आयोग पर आरोप है कि उसमें कुछ सदस्यों से पैसे लेकर और रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए पेपर लीक किया गया था। एक वरिष्ठ एसओजी अधिकारी के मुताबिक सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक करने वाले गिरोहों द्वारा 700 से अधिक संदिग्ध धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। अब तक कुल 66 से भी अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें राजस्थान लोक सेवा आयोग के 2 पूर्व सदस्य भी शामिल है, जो विभिन्न भर्ती परीक्षाएं आयोजित करते थे और उनके पेपर लीक करते थे। भर्ती परीक्षा रद्द होने की खबरों के बीच इस परीक्षा में चयनित हुए इंस्पेक्टर्स के परिजनों ने इसे रद्द नहीं करने की मांग करते हुए इस मामले में दोषी इंस्पेक्टर और उनके साथ जुड़े लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मेरा ब्रदर जो है वो भी एसआई ट्रेनिंग में जयपुर आरपीए में है। 2021 में ये भर्ती निकली थी और देखा जाए तो एक साल पहले से बच्चे तैयारी कर रहे थे, और इससे पहले 2018 वाली भर्ती में भी बच्चों ने मेहनत की थी। उसमें मेरे भाई का भी सिलेक्शन हुआ था और वो इंटरव्यू में जाकर रह गया था, लेकिन इस बार उसने और ज़्यादा मेहनत की और सिलेक्शन हुआ। इसमें हमने 3 स्टेज होती है, पहले प्री क्लियर किया इन्होंने, फिर उसके बाद इन्होंने फिजिकल दिया, फिर इंटरव्यू दिया, और ये जब 3 स्टेज आई है तो सरकार को तब पता नहीं चला था क्या कि यहाँ पर धांधली हुई है, क्या हुआ है। अब 3 अक्टूबर को इनका ट्रेनिंग का लेटर आ जाता है कि आपको 3 अक्टूबर से ज्वाइन करना है, 3 अक्टूबर 2023 से। 3 अक्टूबर 2023 से अभी अक्टूबर 2024 आ गया है और आज तारीख है 12। मतलब आप देख लीजिए, 1 साल और 9 दिन ऊपर हो चुके हैं। 1 साल और 9 दिन से बच्चे वहाँ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ना उन्होंने कोई त्यौहार मनाए हैं, ना उनको बराबर छुट्टियाँ मिली है। ठीक है, ट्रेनिंग की प्रोसेस हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन अब ये बताइए कि एसओजी ने जब जाँच की है और उसमें कहीं क्षेत्र विशेष के लोगों ने चीटिंग की है, वहाँ पेपर लीक हुआ है, उसका दोष यहाँ के निर्दोष बच्चों को क्यों दिया जाए। और एसओजी का ऐसा कहना है कि हमने 100 लोगों को डिटेन किया है, 858 पदों की ये निकली थी
और भर्ती, उसमें से अगर 100 लोग ही डिटेन हो पाए कि वो गलत हैं, तो बाकी के 750 की क्या गलती है? क्या सरकार ये हमें गारंटी देगी कि ये बच्चे फिर से सिलेक्शन हो जाएगा इनका वापस भर्ती, वापस अगर एग्ज़ाम कराएगी तो? बहुत सारों की एज निकल गई है, बहुत सारे बच्चों ने कितनी परिस्थितियों का सामना करके फिर यहाँ तक आए हैं। माँ बाप ने गिरवी रख रख कर लोन ले लेकर उन बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर भेजा है। किराया निकालना बड़ा भारी होता है, सरकार को वहाँ बैठे बैठे एसी के रूम में पता नहीं चलेगा। और सरकार कौन बनाता है? हम बनाते हैं, हमने वोट दिए और सरकार बनी है। ये बात वो बिल्कुल ना भूले कि एक ने गलत किया दूसरा भी गलत कर देगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप सही कर रहे हैं। टू रॉन्ग डजंट मेक अ राइट। उस सरकार ने गलत किया, उसने धांधली की, ये सरकार इस भर्ती को रद्द कर देगी। बता दें कि पेपर लीक के मास्टरमाइंड और आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा को एसओजी ने गिरफ्तार किया था। अब आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका को भी एसओजी ने पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया है। रायका ने बताया कि उन्हें बाबूलाल कटारा ने ही पेपर दिया था। भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किए जाने की मांग करते हुए चयनित अभ्यर्थियों के परिजनों ने मुख्यमंत्री के नाम संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में दो तरह से बड़ी गड़बड़ियां की गई। एक तो लिखित परीक्षा का पेपर लीक किया गया, जिसमें माफियाओं द्वारा दर्जनों अभ्यर्थियों से लाखों रुपए वसूल कर उन्हें पढ़ाया गया। सॉल्ट पेपर पढ़कर अयोग्य अभ्यर्थी भी लिखित परीक्षा में 80-90% अंक प्राप्त करने में कामयाब हो गए, उनका भी चयन हो गया। दूसरी डमी अभ्यर्थी बैठाने वाले के भी बड़ा खेल सामने आया है। कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जहां असली के स्थान पर फर्जी डमी अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा दी और अच्छे अंक लाकर कई लोग इस सब इंस्पेक्टर भर्ती में चयनित हो गए। एसओजी इन दोनों ही गड़बड़ियों को लेकर जांच कर रही है। पेपर लीक करने वाले माफियाओं और डमी अभ्यर्थी उपलब्ध कराने वाली गैंग के कई सदस्य भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एसओजी की जांच रिपोर्ट के आधार पर सरकार को फैसला लेना है कि इसे रद्द करे या नहीं, लेकिन जो अभ्यर्थी अपनी मेहनत और लगन के साथ अपना समय और पैसा खर्च कर चयनित हुए हैं, उनके परिजन इस भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं कर दोषियों का पता लगाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। ठीक है, इन बच्चों मेरा ब्रदर का फ़ोन आया और उसके साथ कुछ उसके फ्रेंड भी थे, तो उनका भी फ़ोन आया और उन बच्चों के गले भरे हुए थे। वो इतने स्ट्रांग बन रहे हैं क्योंकि वो ऑब्वियसली सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा स्ट्रांग कौन होगा, और वो उनको स्ट्रांग होना भी चाहिए, लेकिन उनके गले भर कर वो रोना नहीं चाह रहे क्योंकि वो सोच रहे हम टूट गए तो हमारी फैमिली का क्या होगा। वो टूटना नहीं चाह रहे, मतलब जब मेरे भाई ने मुझे फ़ोन किया तो उसके वो इतना जल्दी से फ़ोन नहीं करता, बड़ा स्ट्रांग है वो, क्योंकि मेरे फादर 2004 में डेथ हो गई थी। हम खेती बाड़ी पे पढ़ाई की है, मेरे मदर ने हमारे को पढ़ाया लिखाया है, और जब मेरे फादर की डेथ हुई मेरा भाई 4th क्लास में था। वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो स्कॉलरशिप पर पढ़ा है, उसने कांस्टेबल का क्लियर किया था और उस दौरान उसने आर एस प्री भी क्लियर किया था, लेकिन मेंस की तैयारी नहीं कर पाया क्योंकि वो फिजिकल की तैयारी चल रही थी, उनके फिजिकल ट्रेनिंग चल रही कांस्टेबल की। अभी उसने फिर से आरएस प्री क्लियर किया है, लेकिन फिर से इस ट्रेनिंग में लग गया तो उसने मेंस का एग्ज़ाम नहीं दिया। और ऐसे बहुत से बच्चे हैं हमारे मेवाड़ और वागड़ के। आप लोगों को भी ये डेटा पता होगा कि हमारे इधर से बहुत कम बच्चे सरकारी नौकरियाँ लगते हैं। अब आने लगे, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आया है कि हम कुछ कर सकते हैं। अब इन बच्चों को आप हताश कर दोगे तो आप आने वाली जनरेशन से क्या उम्मीद रखोगे? संवैधानिक संस्था है आरपीएससी, और आरपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था के द्वारा की गई गलतियों के सजा निर्दोष क्यों भुगतेगा? अगर जो डिटेल्स हो, जिन्होंने गलत पेपर लीक के द्वारा जो 100 टॉपर आए हैं, अगर उनको हटा दिया जाए तो जो बचे हुए बच्चे हैं वो तो टॉपर हैं, हमारे बच्चे टॉपर हैं। आप टॉपर बच्चों के साथ अगर अन्याय कर रहे हो तो अब आगे वाली जनरेशन आपके ऊपर कैसे विश्वास, इस संविधान पे कैसे विश्वास जताएंगे? प्रति हमारे बच्चे घट्टी के दो पार्टों के बीच में पिस रहे, उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं, और हम बस सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि आपको जो निर्णय लेना है, आप जितना आप निर्दोषों को तो आप बरी करेंगे ही करेंगे, इस भर्ती को भी रद्द नहीं करेंगे, हाँ दोषियों के खिलाफ आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। बच्चे बोल रहे हैं हमारे कि हमारा नार्को टेस्ट करवा लो, हमारा ब्रेन मैपिंग करा लो, अगर हमने कहीं पे भी कुछ गलती की है तो। आपने भैया ट्रेनिंग में चल रहा है तो वो गरीब परिवार से है, खूब मेहनत करके रो रहा है वहाँ पे, क्या करें? अभी हम भी घर पे रो रहे हैं और वो भी वहाँ पे रो रहे हैं। सब खेती वाले लोग हैं, क्या करें? मजदूरी कर करके पढ़े, अब ये जो पैसा लग रहा है क्या करें? अबे देखो, अबे परिस्थिति देख लो आप, सरकार तो ऐसी कर सके तो हम गरीब लोग क्या करें? ट्रेनिंग तो अभी चल रही है नहीं,
कितने महीने हो, एक महीना महीना और घट रहा है, महीना डेढ़ महीना और घट रहा है, बाकी होने वाली है तो पूरी हो। बाकी वो वहाँ पे रो रहे हैं, हम घर पे रो रहे, क्या करें, हम तो किराए पे रह रहे यहाँ पे, तो आके फिर गांव से आके रणनीति। अभी सरकार क्या फैसला, सही फैसला लेनी चाहिए सरकार तो नहीं, तो ये तो सरकार के हाथ में बात है, तो सही फैसला ले सरकार। हम तो गरीब लोग हैं, क्या करें, बच्चे को कुछ नहीं है पैसे, एक दूसरे क्या करें, खेती करके भी पढ़ाई करें, क्या करें, अब इतना ही बोल सकते हैं सरकार को, फैसला सही लेना चाहिए सरकार को। कहने को उदयपुर में सैकड़ों एनजीओ और स्वयंसेवी संस्थान संचालित है, लेकिन जब किसी बेसहारा को सहारे की जरूरत पड़ती है तो सारे संस्थान हाथ खड़े करते नजर आते हैं। कुछ ऐसा ही वाकया एक महिला के साथ पेश आया है। उदयपुर शहर के सूरजपोल और धानमंडी थाना क्षेत्र में बीते एक सप्ताह से एक महिला अपने मासूम बच्चे को लेकर इधर उधर डोल रही है, सड़कों पर खुले में रहने को मजबूर है। इस महिला के बारे में क्षेत्रवासियों ने पुलिस को और कई एनजीओ को भी सूचना दी, लेकिन अधिकांश ने हाथ खड़े करते हुए इसे सहारा देने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा के सदस्यों ने मिलकर इसे अनाथ आश्रम भिजवाया और इस संस्थानों के संचालकों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर वो एक बेसहारा महिला को सहारा नहीं दे सकते तो उन्हें अपनी दुकानें बंद कर देनी चाहिए। पिछले एक सप्ताह से उदयपुर के विभिन्न क्षेत्रों में मासूम बच्चे को लेकर घूम रही इस मां को देख हर कोई चिंतित है। अलग क्षेत्रों में रात को खुले में मासूम बच्चे के साथ सोती देख क्षेत्रवासियों ने पुलिस और कई स्वयंसेवी संस्थानों से संपर्क भी किया, लेकिन उन्होंने टकासा जवाब देते हुए कहा कि उनके पास इस तरह की कोई सुविधा नहीं है। यही नहीं, नामी गिरामी और अंतर्राष्ट्रीय स्टार तक पहचान बनाने वाली संस्थाओं ने भी इस बेसहारा महिला के लिए कोई सुविधा नहीं होने की बात कहकर पल्ला झाड़ दिया। क्षेत्रवासियों द्वारा इस महिला और बच्चे को खाना पानी, चाय, दूध, कपड़े और ओढ़ने बिछाने की सुविधा भी दी गई। बच्चे और मां की स्थिति की जानकारी मिलने के बाद भाजपा महिला कार्यकर्ता अर्चना शर्मा और कांग्रेस के फिरोज अहमद शेख और गौरव प्रताप मौके पर पहुंचे और कार्रवाई करते हुए महिला को अनाथ आश्रम पहुंचाया। वहीं भाजपा महिला कार्यकर्ता अर्चना शर्मा ने बताया कि शहर में बड़े बड़े कई सेवा संस्थान और आश्रम चल रहे हैं, वो अगर एक बेसहारा महिला को आसरा नहीं दे सकते हैं तो उन्हें सेवा के नाम पर दुकान चलाई जाने वाली अपनी दुकानों को बंद कर देना चाहिए। सुबह सवा 10 बजे के आसपास हमारे महिला मोर्चा की अध्यक्ष रूपम नलराय का फोन आया कि दीदी, दो दिन से एक महिला है जो 28-29 साल की है और एक उसका बच्चा 8-10 महीने का, वो दो दिन से यहाँ है और स्थिति इतनी खराब है कि वो बच्चे को घसीट घसीट के मार भी रही है, उसको होश में भी नहीं है, आप आके देख लो। तो मैंने देखा तो ये बीमार हो रही है, बीमार बहुत ज़्यादा, और इसका जो बच्चा है ये 7-8 महीने का बच्चा है, उसको उठा रहा, उठ नहीं रहा है। हमने जगह जगह फ़ोन किए, नारायण सेवा में किया, थियोस ऑफिकल सोसाइटी के हिसाब से किया, इतनी संस्थाएँ काम करती है उदयपुर के अंदर है, लेकिन 1.5 घंटे से किसी का भी भीतर में फ़ोन नहीं आया। और हमारे फिरोज भाई, ये कांग्रेस के नेता है, ये सामने ही रहते, इनको फ़ोन सामने थे, हमने इनको कहा था, इन्होंने तारमंडी थाने में फ़ोन किया, 5 मिनट के अंदर थाने से ये लोग आ गए, हम इनके आभारी हैं। कम से कम पुलिस कभी भी नहीं आती टाइम पे, लेकिन टाइम पे आ गए और इनका सहयोग मात्र इतना तो रहा, कम से कम इनके आने से हमारा भी मनोबल बढ़ा कि कहीं मर गई, कब गई या कुछ भी हो गया तो हमारे ऊपर नहीं है। हम चाहते हैं इस महिला का इलाज हो, इसके बच्चे को अनाथ आश्रम पहुँचाएँ, क्योंकि इसको होश में आई तो हमने पूछा कि तू कहाँ की है, तो इसने अपना नाम साकरोता तो गांव का नाम बताया, कन्हैया इसके हस्बैंड का नाम बताया, और ये आदिवासी समाज सेवा बिलोंग करती है और वहाँ एक कुमार सिंह जी नेता का नाम ले रही थी, ये उनको जानती है ये, तो अगर कोई मिल जाए तो इस बच्चे को तो कम से कम उसके घर चले जाए, नहीं होगा तो भी मैंने साकरोता के हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी को फ़ोन किया है, होगा तो इस बच्चे को तो कम से कम 2-4 दिन में ले जाएंगे, क्योंकि ये जिंदा तो रहने जैसी स्थिति में है नहीं, आप खुद देखिए इसकी स्थिति है ना। तो आप ये मीडिया वालों से मेरा इतना अनुरोध है कि इसको व्यवस्थित इनका इलाज हो, और जितनी भी संस्थाएं यहाँ उदयपुर में काम करती हैं वो दुकानें ना खोलें, और अगर सेवा काम नहीं कर सकते तो सेवा का नाम ही हटा दें, मत करो सेवा, आप दुकानें खोलो, शोरूम खोलो और आपके मर्जी जो काम करो, लेकिन अगर सेवा के नाम पर आपने
ये बड़े बड़े ये कटक है कारखाने, मेरी नजर में आज में हम दो घंटे हमने चाय पानी भी नहीं पी है, फिरोज भाई भी दुकान नहीं खोली है, पुलिस वाले सुबह से बैठे हैं, एक संस्था वाला नहीं आता। हमने चार बार फोन किया भाई, एक थियोसोफिकल सोसाइटी है, वो कहते हैं अनाथ आश्रम के बच्चों को रखते हैं। मेरा किसी की बुराई करने का इरादा नहीं है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ राजनीति किसी की भी हो, पार्टी किसी की भी हो, कार्यकर्ता कोई हो, इन बच्चों को उचित इनका इलाज हो, ये उचित जगह जाए, ये हमारा निवेदन। इतना सारा चिल्लाओ मत, ये लो वाइटेक्स लिक्विड डिटर्जेंट, काम जल्दी और आसानी से होगा, कीमत कम, काम में दम, कपड़ों की लाइफ बढ़ाए, आपके बजट में आए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। नवरात्रि के मौके पर जगह जगह उत्सव का माहौल दिखाई दिया। उदयपुर, राजसमंद और बांसवाड़ा सहित दोनों संभाग में देर रात तक डांडियों की खनक सुनाई देती रही। उदयपुर के नाड़ा खाड़ा में बने गरबा पंडाल में शुक्रवार रात बड़ी संख्या में गरबा खेलते हुए मां की आराधना की। वहीं राजसमंद में गजानन वाटिका में एक दिवसीय गरबा आयोजन के तहत देर रात तक लोग डांडिया खेलते नजर आए। उदयपुर के नाड़ा खाड़ा में बने विशाल गरबा पंडाल में शुक्रवार को अंतिम दिन होने के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने डांडिये खनकाए। इस दौरान पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ था। विशाल गोले में गरबा नृत्य करते हुए सभी ने पारंपरिक गरबों का लुफ्त उठाया। इधर राजसमंद में भी गजानन वाटिका में कार्यक्रम में डांडियों के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें विजेताओं को मुख्य अतिथि राजसमंद जिला अध्यक्ष मानसी बारहट द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि गरबा महोत्सव शाम 7 बजे महाआरती की बात शुरू हुआ, जो देर रात तक चलता रहा। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व सभापति आशा पालीवाल, पूर्व प्रधान सुरेश जोशी भी मौजूद थे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घड़ी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। उदयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि पर फर्जी कॉलोनी काटकर प्लॉट बेचने के आरोप में उदयपुर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने नयाखेड़ा में स्थित सरकारी जमीन को खुद की बताते हुए वहां प्लॉट काटकर बेच दिए थे। गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी के खिलाफ पूर्व में जमीन धोखाधड़ी के 3 मामले दर्ज है। हालांकि इस मामले का मास्टर माइंड अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार इन आरोपियों ने आपराधिक षड्यंत्र रचकर फर्जी तरीके से इकरार बनाकर लोगों के साथ बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। जमीन के मालिक नहीं होते हुए भी भूखंड काट कर करीब 3 से 35 लोगों को बेच दिए, जहां पर उन सभी ने 4 दीवारी का निर्माण भी करवा दिया और कुछ ने तो मकान भी बना दिए। 7 सितंबर को उदयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इन भूखंडों को सरकारी जमीन बताकर सभी मकान और 4 दीवारी का निर्माण ध्वस्त कर दिया और सभी को वहां से हटाते हुए जमीन का कब्जा ले लिया। प्राधिकरण ने आरोपियों से संपर्क किया तो किसी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया और उन्होंने जब उनके पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने पैसे लौटाने से मना कर दिया। जब उन्होंने आरोपियों से भूखंड खरीदे थे उस समय रुपयों का भुगतान कुछ प्राधिकरण द्वारा नगद और कुछ प्राधिकरण द्वारा ऑनलाइन किया गया था। इस प्रकार के आरोपियों का गिरोह बना रखा है, जिनमें अखिलेश मोगरा एडवोकेट है, वह इसमें भी मिला हुआ है। आरोपियों के नाम से विक्रय इकरार बनाकर ऐसे भूखंड उन सभी को बेचता है और उन्हें आश्वासन देता है कि तुम्हारे बिजली का कनेक्शन करवा देंगे तथा पंचायत से पट्टा भी बनाकर दे देंगे। इसी आधार पर लोगों से लाखों रुपए लेकर सरकारी जमीन को खुद की बताकर इकरारनामा बनाकर उन सभी को बेच दिए। पुलिस की पहुंच से दूर अखिलेश मोगरा कब पकड़ा जाएगा इसका सभी को इंतजार है। बहरहाल पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। उदयपुर के सोजतिया ज्वेलर्स को आइकन ऑफ द ज्वेलरी इंडस्ट्री 2024 अवार्ड से नवाजा गया है। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी
डोमेस्टिक काउंसिल की ओर से मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में आयोजित जीजेएस नाइट में यह अवार्ड दिया गया। उदयपुर के सुजतिया ज्वेलर्स को ज्वेलरी उद्योग में उनके असाधारण योगदान के लिए आइकन ऑफ द ज्वेलरी इंडस्ट्री 2024 अवार्ड से सम्मानित होने के बाद सुजतिया के निदेशक डॉक्टर महेंद्र सुजतिया को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में आयोजित जीजेएस नाइट में ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरपर्सन संयम मेहरा ने सुजतिया ज्वेलर्स के निदेशक डॉक्टर महेंद्र सुजतिया को आइकन ऑफ द ज्वेलरी इंडस्ट्री अवार्ड प्रदान करते हुए उनके संस्थान की उल्लेखनीय उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सुजतिया ने पिछले वर्षों में अपनी कार्य कुशलता और उद्यमशीलता से ज्वेलरी इंडस्ट्री को नया आयाम दिया है। उन्होंने बताया कि सुजतिया ज्वेलर्स ने नवीनतम डिजाइनों के साथ साथ उचित मेकिंग चार्ज लेकर ग्राहकों का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा कि सुजतिया का योगदान भारत के ज्वेलरी उद्योग के भविष्य को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। मेहरा ने ज्वेलर्स को यह पुरस्कार देकर हम सभी को गौरवान्वित किया है। देश में ट्रेन हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार रात तमिलनाडु में भी एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ है, जिसमें मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से जाकर टकरा गई। हादसा चेन्नई से 41 किलोमीटर दूर कवराई पेटई रेलवे स्टेशन के पास हुआ है। ट्रेन में 1360 पैसेंजर सवार थे, जिसमें से 19 लोग घायल हुए हैं। 11 अक्टूबर रात 8:30 बजे हुए हादसे में 12 डिब्बे पटरी से उतर गए और एक कोच और पर्सनल वैन में आग लग गई। रेलवे के मुताबिक शुक्रवार रात 8:30 बजे पोन्नेरी स्टेशन क्रॉस करने के बाद बागमती एक्सप्रेस को मेन लाइन पर चलने का ग्रीन सिग्नल मिला था। कवराई पेटई रेलवे स्टेशन में पहुंचने से पहले लोको पायलट और ट्रेन क्रू जोर से झटका लगा। इसको झटके के बाद ट्रेन मेन लाइन छोड़कर लूप लाइन में चली गई। यहां पहले से भी मालगाड़ी खड़ी हुई थी, जिसके चलते बागमती एक्सप्रेस उससे टकरा गई। रेलवे के कर्मचारी मामले की जांच कर रहे हैं कि ट्रेन लूप लाइन पर कैसे गई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि सरकार तेजी से राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। घटनास्थल पर मौजूद यात्रियों की मदद और उनकी आगे की यात्रा के लिए एक अलग टीम बनाई गई है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ, नेक से एक रेट प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी, एएसआई भर्ती परीक्षा रद्द नहीं किए जाने को लेकर अभ्यर्थियों के परिजनों ने दिया धरना, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग। मासूम बच्चे के साथ बेसहारा घूम रही महिला को मदद देने एकजुट हुए कांग्रेस और भाजपा, सेवा संस्थानों पर साधा निशाना, दुकानें बंद करने की कही बात। और दक्षिणी राजस्थान में डांडी की खनक थमी, अंतिम दिन देर रात तक गरबा पांडालों में उमड़ता रहा श्रद्धा का ज्वार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, अब दीजिए इजाजत माधुरी को, आप जुड़े रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। SMB Build Mart Solutions, मजबूत इमारत के साथ मजबूत इलेक्ट्रिकल फिटिंग, ड्यूरेबल सैनिटरी पाइप्स और ब्रांडेड बाथ फिटिंग भी जरूरी है। क्रॉम्पटन के पंखे और गीजर, GM के स्विचेस और लाइट फिटिंग और कजारिया की बाथ फिटिंग होलसेल और रिटेल रेट्स पर उपलब्ध। SMB Build Mart Solutions, दिल्ली गेट पुलिस कंट्रोल रूम के पास, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91, न्यूज 91, आवाज हम सबकी।